हेलो मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी ऑन ट्रैक पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए फिर से यूपी स्पेशल के कुछ प्रश्न पत्रों को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं, प्रश्नों का एक संकलन लेकर। हमारा प्रयास है, जिसमें विगत वर्षों के प्रश्न पत्र हैं, हमारा यह प्रयास है कि यह प्रश्न आपके आगामी वीडियो री एग्जाम तथा साथ ही साथ जो वीडियो का एग्जाम नई वैकेंसी आई हुई है उसमें आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो। चलिए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। निम्न में से प्रदेश का कौन जनपद उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा राज्य शहर है जो कि आपका इन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? ठीक है, तो इसका जो मित्रों आपका सही उत्तर है वो है आपका सहारनपुर। ठीक है, सहारनपुर। नेक्स्ट, क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प का चयन करना है, यानी हमको बताना है कि किसका क्षेत्रफल कम है, फिर उससे ज्यादा, सॉरी घटते क्रम की बात कर रहा है, अर्थात सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ठीक है, तो आप ऑप्शन बी को देखिएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, यह आपका बढ़ते से घटते क्रम की तरफ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, लखनऊ की सीमा किसे स्पर्श नहीं करती है? ठीक है, आपसे पूछ रहा है नहीं करती है, तो उन्नाव, बलिया, हरदोई और बाराबंकी में से बलिया को नहीं करती है। ठीक है, बाकी उन्नाव, हरदोई और बाराबंकी को करती है। ठीक, प्रदेश पश्चिम में कौन सी नदी काफी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है? आपसे यह पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी नदी है जो कि उत्तर प्रदेश की सीमा के साथ काफी लंबी दूरी तय करती है, यही आपका प्रश्न है। तो मित्रों इसका आपका जो सही उत्तर है वो है आपका यमुना। ठीक है, आपका सही उत्तर है यमुना। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के भांभर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? आपसे यही प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के भांभर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ककरीली पथरीली। ठीक है, ककरीली पथरीली। चलिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? आपसे पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहां पे कि सबसे कम वर्षा होती है? तो इसका मित्रों आपका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन डी, मथुरा। ठीक है, मथुरा में आपके उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा होती है। निम्न जिलों का उत्तर से दक्षिण अनुक्रम कौन सा है? मतलब ऐसे जिले उत्तर प्रदेश के जो कि उत्तर से दक्षिण की तरफ हमें चलना है, तो बताना है कि कौन कौन से आएंगे। तो आप देखिएगा ऑप्शन बी को, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, फिर संत रविदास नगर। ठीक है, ये आपका उत्तर से दक्षिण का सही क्रम होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट, निम्न शहरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही घटनाक्रम क्या है? हमसे यही पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें का देखिएगा आप ऑप्शन डी की तरफ देखिए, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, बागपत और भदोही। ठीक है, तो आपका जो सही उत्तर होगा इसमें, ये आपका भौगोलिक दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सही दर्शाता है। ठीक है, ये घटता हुआ क्रम है, यानी कि आपका वाराणसी, वाराणसी से छोटा गौतम बुद्ध नगर, उससे छोटा बागपत, उससे छोटा भदोही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? मित्रों हमसे यही पूछ रहा है। ठीक है, कम तो मथुरा में होती है, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है? तो सबसे ज्यादा आपके यूपी के गोरखपुर में होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम की दृष्टि से सही है, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ हमको जाना है। ठीक है, बढ़ते क्रम में जाना है क्षेत्रफल के अनुसार से, यानी कि छोटा जिला, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, क्षेत्रफल के आधार पे हमसे पूछ रहा है। तो आप मित्रों ऑप्शन सी की तरफ ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी में देखिएगा, गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर,
फिर सोनभद्र, ठीक है, यानी आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है, आपसे पूछ रहा है कि सोनभद्र जिले को कौन कौन से कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है, ठीक है। तो सोनभद्र जिले को आपके चार राज्य जो हैं, चार राज्यों की सीमाएं, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चार राज्यों की सीमाएं आपके सोनभद्र को स्पर्श करती हैं, जिसमें आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, झारखंड और बिहार, ठीक है, और बिहार आपके चार राज्य लगे हुए हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में कौन सा क्षेत्र आद्य कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है, हमसे यही मित्रों पूछ रहा है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए बुंदेलखंड है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है, हमसे यही पूछ रहा है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, पंजाब के साथ हमारा उत्तर प्रदेश अपनी डायरेक्ट सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है, राजस्थान और हरियाणा के साथ करता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र कौन सा है, हमसे यही पूछ रहा है। तो इसमें जो तराई क्षेत्र है, तराई क्षेत्र आपका सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र कहलाता है, ठीक। निम्न में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, हमसे यह पूछ रहा है। तो देखिएगा, इन ऑप्शन में से चारों ऑप्शन में ऑप्शन डी को देखिएगा, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी आपका सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है, ठीक है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है, लखीमपुर खीरी। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है, हमसे यही पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें मित्रों आपका ऑप्शन बी करेक्ट है आंसर है, यानी चौथा है, ठीक है, चौथा स्थान है। निम्न में से किस जिले को अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है, आपसे पूछ रहा है, ठीक है, स्पर्श नहीं करती है। तो देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय सीमा उत्तर प्रदेश में आपका नेपाल करता है, तो यानी कि नेपाल किसके साथ नहीं करता है, बलरामपुर, श्रावस्ती, पीलीभीत और बस्ती। तो इसमें से ऑप्शन डी आपका चौथा सही है, ठीक है, बस्ती के साथ सीमा साझा नहीं करता, यानी कि बस्ती आपके किसी भी अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। निम्न जिलों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है, हमसे यही पूछ रहा है इन ऑप्शन में। तो हमारे ऑप्शन में वाराणसी, जौनपुर, प्रयागराज और गाजीपुर में जो सबसे छोटा है वो है मित्रों आपका वाराणसी, ठीक है, ऑप्शन के तहत वाराणसी है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है, हमसे यही पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका मित्रों आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, 13.5%, ठीक है, 13.5% आपका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से किस देश की सीमा उत्तर प्रदेश से मिलती है। तो देखिए, अभी हमने बताया आपको कि उत्तर प्रदेश से आपके नेपाल की सीमा लगती है, ठीक है, आपके नेपाल की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से किसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 32वें और उत्तर प्रदेश के 8वें, एनसीआर के 32वें और उत्तर प्रदेश के 8वें जिले के रूप में शामिल किया गया है, ये आपसे पूछा है मित्रों। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए आपका शामली को, ठीक है, शामली को। उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है, तो देखिएगा मित्रों आपसे पूछ रहा है कितने राज्यों से मिलती है। तो यहाँ पे आपको दो चीजें बता दे रहे हैं कि आपसे पूछेगा कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों से मिलती है, तो आपका ऑप्शन आंसर होगा 9, और आपसे पूछेगा कितने राज्यों से, केवल स्टेट से, तो आपका आंसर होगा 8, ठीक है, 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से मिलती है। तो जहां पे आपका राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश होगा तो वहां पे 9 आंसर देंगे, जहां पे केवल राज्य लिखा होगा वहां पे 8 आंसर देंगे, ठीक।
निम्न में से किस जिले का सीमा नेपाल से लगता है, आपसे यही पूछ रहा है। इन ऑप्शन में देख लीजिए, गोरखपुर, बलिया, महाराजगंज और बस्ती। ठीक है, तो इसमें से आपका जो महाराजगंज है मित्रों, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ठीक, एकदम करेक्ट आंसर है महाराजगंज। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का है, आपसे यही पूछ रहा है कि ऐसा इसमें से कौन सा जिला है जो कि आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप ऑप्शन सी पे ध्यान दीजिएगा, महोबा। महोबा आपका बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से किसकी सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी हुई है, आपसे यही पूछ रहा है। श्रावस्ती, बलरामपुर, कुशीनगर और लखीमपुर खीरी में से। तो यहाँ पे जो मित्रों आपका कुशीनगर है, ये आपका नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ठीक, बाकी श्रावस्ती, बलरामपुर और लखीमपुर खीरी आपका सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जिला क्षेत्रफल में सबसे छोटा है, हमसे यही पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा जिला क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। तो मित्रों यहाँ पे जो हमारा सही आंसर बनेगा वो है आपका ऑप्शन डी, हापुड़। ठीक है, हापुड़ आपका सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक, तो मित्रों आज इतना ही, लेकिन इसके साथ हम कुछ और भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स को आपके साथ शेयर कर लेते हैं। जैसे कि देखिएगा, उत्तर प्रदेश की अगर बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के आकार की बात की जाती है, तो उत्तर प्रदेश का आकार कैसा है, तो आकार आपका मित्रों लंबवत है। ठीक है, लंबवत है ये आपका पूर्व से पश्चिम। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की अगर इसकी लंबाई पूछी जाती है 650 किलोमीटर है, और आपका नॉर्थ से साउथ की पूछी जाती है मित्रों, तो ये 240 किलोमीटर है। ठीक है, प्रदेश का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना है अगर आपसे पूछेगा मित्रों, तो वो होगा आपका 7.33%। ठीक है, वो आपका 7.33% होगा। इसमें मित्रों एक मिनट, एक प्रश्न इसमें से गलत हो गया है, उसका आंसर हमने थोड़ा सा गलत हो गया है हमसे। वो है आपका यहाँ पे देखिए, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है हमसे ये पूछा था, तो ये मित्रों हमारा यहाँ पे गलत हमने बता दिया। ये इसका सही उत्तर है 7.33%। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ का आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए और भी कुछ बातों को जान लेते हैं कि प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का नगरीय क्षेत्र कितना है। नगरीय क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो नगरीय क्षेत्र मित्रों आपका है 2.7% का। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, तो चौथा स्थान है। ये तो आपने पढ़ा, पहले पे आपका आता है राजस्थान, पहले पे आपका राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश और तीसरे पे महाराष्ट्र। ठीक है, चौथे पे अपना यूपी आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये तो आपने पढ़ ही लिया। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 जिलों के बारे में भी आपने पढ़ लिया, जिसमें लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा है, फिर सोनभद्र, फिर हरदोई, सीतापुर और प्रयागराज। सबसे कम क्षेत्रफल वाला आपने पढ़ा लास्ट में कि हापुड़, उससे बड़ा गाजियाबाद, उससे बड़ा भदोही, उससे बड़ा शामली और उससे बड़ा गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, इसी क्रम में है आपका। एक और भी प्रश्न पूछता है मित्रों इसमें कि जैसे उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो पूर्वी में है आपका बलिया, और आपसे अगर पश्चिमी पूछ लेगा, पश्चिमी पूछेगा तो पश्चिमी में है शामली। ठीक है, उत्तरी पूछ लेगा तो उत्तरी में है मित्रों आपका सहारनपुर, और अगर दक्षिणी पूछेगा तो दक्षिणी में है मित्रों आपका सोनभद्र। ठीक है, आपका है सोनभद्र। ठीक, नेपाल से टोटल 7 जिले उत्तर प्रदेश के लगते हैं। अगर आपसे पूछ लेगा अंतरराष्ट्रीय सीमा पे कितने लगते हैं, तो टोटल 7 लगते हैं जो कि आपके नेपाल से लगते हैं। नेपाल एक अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगता है, 7 लगते हैं। इसमें आपका महाराजगंज है, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, ठीक है, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर, बलरामपुर, श्रावस्ती, श्रावस्ती, बहराइच, ठीक है, बहराइच, लखीमपुर, लखीमपुर और पीलीभीत। ठीक है, और पीलीभीत इतने हैं जो कि आपके नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, नेपाल के साथ लगभग आपका 579 किलोमीटर उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है। आपके
उत्तर प्रदेश से सटे हुए राज्य 8 राज्य कौन से हैं उसको जान लेते हैं। 8 राज्य कौन से हैं? एक तो आपका केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, और फिर 8 राज्य कौन कौन से हैं तो उसे जान लेते हैं। तो उसमें है मित्रों आपका हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, बिहार, झारखंड, झारखंड, ठीक है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ठीक है, और राजस्थान, और आपका एक है दिल्ली, ठीक है, दिल्ली, दिल्ली आपका हो गया, नई दिल्ली, ये हो गया आपका मित्रों केंद्र शासित प्रदेश के रूप में, ठीक है। उत्तराखंड के साथ टोटल आपके 7 जिले हैं, जो कि उत्तराखंड के साथ 7 जिले सीमा साझा करते हैं। हरियाणा के साथ आपके 6 जिले साझा करते हैं। दिल्ली से आपके 2 हैं, ठीक है, दिल्ली से सटे हुए 2 जिले हैं, उसमें आपका आता है दिल्ली से 2 जिले हैं आपके, जिसमें से है आपका एक गाजियाबाद, ठीक है, गाजियाबाद, और एक है मित्रों आपका गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर, ठीक, गौतम बुद्ध नगर है। मध्य प्रदेश के साथ अगर पूछ लेगा कि कितनी सीमाएं साझा करती हैं, कितने जिले सीमा साझा करते हैं, तो 11। राजस्थान के साथ अगर पूछ लेगा तो राजस्थान के साथ आपके 2 जिले करते हैं, जिसमें एक आगरा है और मथुरा है, ठीक है, आगरा और मथुरा है। बिहार से अगर पूछ लेगा तो बिहार से मित्रों आपके 7 जिले हैं, जो कि सीमा साझा करते हैं। छत्तीसगढ़ से केवल एक जिला है, छत्तीसगढ़ से यूपी का केवल एक जिला है, वह है आपका मित्रों सोनभद्र, ठीक है, सोनभद्र, सोनभद्र है, जो कि छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा साझा करता है, और झारखंड के साथ भी मित्रों आपका एक ही जिला है सोनभद्र, जो कि सीमा साझा करता है, ठीक है। तो आज हाँ, इसमें एक पॉइंट्स आपको और बताना था कि जैसे उत्तर प्रदेश से लगे सर्वाधिक व सबसे कम सीमा रेखा वाले राज्य, तो उत्तर प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा आपका मध्य प्रदेश है, जो कि सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है, और सबसे कम सीमा आपका हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश के साथ साझा करता है। तीनों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ उत्तर प्रदेश का अगर जिला आपसे कभी पूछेगा तो उस आपका उत्तर बनेगा मित्रों ललितपुर, ठीक है, आपका उत्तर बनेगा ललितपुर। ललितपुर मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है। तो मित्रों आज इतना ही। जो मित्र हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, और आप अपना सहयोग, अपना सपोर्ट हमें दें। थैंक यू।